तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ प्रज्ञा जी जो आप आई। देखिए ना, मैं रूम के बाहर से गुजर रहा था और मुझे अंदर से रोने की आवाज आई। वो सोचा कि अगर सब लोग नीचे डांडिया खेल रहे हैं तो ऊपर अकेले बैठकर कौन रो रहा है। आके देखा तो तनु जी रो रही थी। पूछने पर उन्हें कहा कि बहुत बुरी तरह से अभी ने उसे इंसल्ट किया। बस यही पूछ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि इतना जोर से चिल्लाया अभी ने इस पर। यू शुड अंडरस्टैंड, प्रेग्नेंट है वो, इतना तो समझ। लेकिन वो तो फिर मैं ये भी समझा रहा था कि अच्छा इंसान है अभी, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा हो गया और इतना चिल्लाया उस पर। लेकिन मेरी बात मानी नहीं रही, शी इज क्राइंग, रोए जा रही है, रोए जा रही है। एंड यू नो रोना कितना खराब होता है प्रेगनेंसी के लिए, इट्स नॉट गुड फॉर हर। आप ही समझाइए प्लीज। ये क्या समझाएगी मुझे, ये तो खुद चाहती है कि मैं अभी से अलग हो जाऊं, हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, एक दूसरे से नफरत करें। हम जानबूझ के मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि मैं मजबूरी में कोई गलत कदम उठाऊं, और यही हुआ। मेरे पैसों की मजबूरी में डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, और ये बात ये अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर अभी को पता चला कि मैं डांस कर रही हूँ तो अभी को बहुत गुस्सा आएगा। यही चाहती थी ना तुम कि अभी सबके सामने मुझ पर गुस्सा करे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। यार कुछ भी, एक लाइन से क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे लाइन के इस तरफ एक कंट्री और दूसरी पार दूसरी कंट्री, और उस कंट्री में आने के लिए वीजा चाहिए, इसलिए रावण उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा। चचा इधर, ये लेडी मुकाम को कहाँ चली गई? क्या मुझे यहाँ पर बिठा कर एंजॉय करने तो नहीं गई? सर वो आपकी तरह नहीं है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, उच्च विचारों की है और बहुत संस्कारी भी। तुम इसकी आरती क्या उतार रही हो? तुम मेरे लिए काम करी और तारीफ उसकी करी हो। कहाँ गई है वो? सर वो किसी काम से गई है, बस अभी आई जाएंगे। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा मानूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा चंचन। नहीं नहीं सर, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि जब भी आप प्रज्ञा मैम को लेडी मुकेम्बो बोलते हो तो उसमें प्यार नजर आता है। बैठो। थैंक यू सर। पकड़ो। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? देखिए सर, जब एक नाम के होते हुए कोई किसी को दूसरे नाम से बुलाता है तो उससे उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार करता है। बकवास किए जा रही हो तुम, कोई लॉजिक नहीं तुम्हारी बातों में, मुर्गी बनो। अभी क्या हो गया, तू डांट क्यों रहा उसको? किस लॉजिक की बात कर रहा है? अरे इसका दिमाग खराब हो गया। कह रही है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे निकनेम देता है। तू मुझे बता, आज तक मैंने तुझे कोई निकनेम दिया? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? यार अभी तेरी और मेरी बात अलग है, हम दोस्त हैं। अब तू बुलबुल को ले, मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ तो मैंने भी उसको निकनेम दिया है। इसमें इसने गलत क्या बोला? आई थिंक शी इज राइट। जब मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ तब मैं उसे निकनेम देता हूँ। ओके, तो तू तनु से बहुत प्यार करता है ना, तो तूने उसे कोई निकनेम नहीं दिया? अरे संजय ने तुम्हारी लेडी मुकाम वो कहा है, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अभी अगर वो आई ना तो उनसे कह देना कि मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर। अरे मैं सर देखिए वो आ गई। मिताली माता रानी के सामने का दिया तेल कम हो गया, भर दो। हाँ करती हूँ, आप तो रहने ही दीजिए। आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं देखती हूँ। Thank you.
नंबर की शानी हो तुम, मुझे वहां बिठा कर खुद यहाँ पर इंजॉय कर रही हो। चप्पल उतार। एंजॉय नहीं कर रही, काम कर रही हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे आप चुमन में कीजिए। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। मैं जा रहा हूँ, चुमन में है वो करने। अरे लेकिन लेडी मुगैम्बो, किसी ने देख लिया ना तो बेवजह पकड़े जाएंगे। तू चुप कर। एक हाँ, पता है मेरी तो जान निकल गई थी। तू ठीक है ना? तेरे को चोट तो नहीं आई? सच सच बता दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और फिर आप जो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? तू बेटा वहाँ करने क्या गई थी? किसने भेजा था तुझे वहाँ? दादी वो माता के सामने जो दिया था ना, उसका तेल खत्म हो गया था, इसलिए तेल डालने गई थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि ऊपर से वो बेल मेरे ऊपर आ गिरी और फिर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ लगा। तू पागल तो नहीं होगी? नहीं, आपने देखा कैसे वो मुझे बचाने आए और वो कुमकुम जिसे लगाने के लिए मैं तरस गई थी, वो जाने अनजाने इन्होंने ही मुझे लगाया। दादी सच कहूं तो उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे साथ शादी की सारी कसमें निभा ली। भगवान करे मेरे साथ बार बार ऐसा हो। एक लगाऊंगी, खबरदार ऐसी बात फिर निकाली तो। भगवान न करे तुझ पर दोबारा ऐसी मुसीबत आए। मैं मानती हूँ तुझे अच्छा लगा होगा जब अभी ने तुझे बचाया होगा बेटा, पर बेटा तू पल पल के लिए क्यों सोच रही है? उसके साथ सारी जिंदगी रहने के बारे में सोच। अब देखना दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और हम अपने मकसद में आगे बढ़ ही नहीं रहे। दादी हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे शक है किसी पर। ये जो हुआ उसके बारे में? नहीं दादी, तनु के बच्चे के पिता के बारे में। क्या बात कर रही है, मुझे क्यों नहीं बताया? किस पर शक है तुझे? दादी आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। देखिए अगर मैंने आपको बता दिया और आप भी उस इंसान पर शक करने लगी, उस पर नजर रखने लगी तो कहीं वो होशियार ना हो जाए। और हाँ दादी, आप ये बात पूरब और बुलबुल को भी मत बताइएगा। अगर जल्दबाजी में किसी ने भी कोई गलत स्टेप ले लिया और वो इंसान हमारे हाथ से निकल गया तो? ठीक है ठीक है। धन्य हो गए जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। दीदी आज ना रामलीला सबने बहुत अच्छा किया। सही कह रही है तू, एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं रामलीला देख नहीं रही, रामलीला जी रही हूँ। पर दादी मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ये कोई बात हुई भला? रामलीला का दी एंड तो हुआ ही नहीं। ए मिताली, असली सीन तो अब होगा जब राम जी अपने बाण से रावण का पुतला जलाएंगे, तब बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। ये कौन सी बात हुई भला? पूरी रामलीला असली लोगों के साथ में हुई और रामलीला का दी एंड पुतले के साथ में? मुझे तो मजा नहीं आया।
वो क्या है? रावण का पुतला है? तो तू वहां जा और रावण की पुतले की जगह खड़ी हो जा, फिर हम तुझे जलाएंगे ना, तो तुझे बड़ा मजा आएगा। वो हिटलर आ रही है। अच्छा फुगी, मुझे ये बताओ कि लेडी मगैम्बो चाहती क्या है? मुझे तो जब एक नाम के होते हुए कोई किसी को दूसरे नाम से बुलाता है तो उससे उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार करता है। कहीं वो सच तो नहीं बोल रही थी? फुगी, तुमने आज तक मुझे कोई निकनेम क्यों नहीं दिया? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सीधी चीजें पूछ रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो, है ना? देखिए मैं ऐसे थोड़ी मानूंगा, प्रूव करना होगा। कम ऑन गिव मी अ पप्पी, आई नीड मोटिवेशन। पप्पी पप्पी पप्पी, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे दो लोग प्राइवेट बातें कर रहे हैं, पपिया शपिया चल रही है और तुम खड़े रहकर देख रही हो, ईवड्रॉपिंग कर रही हो। अगर आपको अपनी प्राइवेसी की इतनी फिक्र है तो ये सब कमरे में कीजिए ना, कॉरिडोर में क्यों कर रहे? मेरा बस चले तुम्हें जेल में डालकर मैं रोमांस करूं? लेकिन वो भी गलती इसकी नहीं है ना। देखो विलन लोगों का काम ही होता है दो प्यार करने वालों के बीच में पड़ते हैं। अब सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलता चलेगा, हम क्या कर सकते हैं? आपका मतलब है मैं विलन हूँ? देखो शक्ल और काम से तो तुम विलन ही हो, और विलन वाले सारी क्वालिटीज में तुम्हें, तुमसे किसी की खुशियां नहीं देखी जाती, और तुम तो प्यार करने वालों को देख नहीं सकते, एक साथ चलती हो ना तुम, तो विलन ही हुई। मेरे पास ना ये आपकी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, मुझे बहुत काम। हाँ, बहुत जरूरी काम है, तुम तो बहुत बिजी हो, वर्ल्ड की सबसे बिजी लड़की तुम ही हो, है ना? वैसे मुझे एक बात बताओ, अब जब जब गांव वाले रावण को आग लगाएंगे तो क्या तुम रो पड़ोगी? मतलब एक विलन से दूसरे विलन का दर्द थोड़ी ना देखा जा पाएगा। ये आपके फालतू सवालों के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, एक और सवाल, तुमने कभी किसी को कोई निकनेम दिया? नहीं, एक इंसान के लिए एक नाम काफी होता है, दो नाम होंगे तो दो पर्सनैलिटीज ही हो जाएंगी ना। गौर से देखो इस लड़की को, इसने प्रूफ कर दिया इसके सीने में कोई दिल ही नहीं है। बकवास बंद कीजिए, बाहर सब वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा एक आखिरी सवाल, देखो इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना, लेकिन अगर कोई उसकी जान बचाता है ना तो वो उसे थैंक यू जरूर बोलता है। तुमने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? क्योंकि थैंक यू बोलने का कोई फायदा ही नहीं। आप तो यही कहेंगे ना कि मेरा पाँव फिसल गया था, इसने गलती से बचा लिया। और अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो तो मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे पूरी तरह नफरत क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बुरी मैं, आप नहीं। मछली हो क्या, जिसे पानी से निकाल दिया तो फड़फड़ा रही है? देखो देखो, सुनो, मुझे किसी को भी तकलीफ देने में ना बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, पता नहीं क्यों उल्टा मजा आता है। इसलिए नो 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 नो, फड़फड़ाना, मरना तो तय है तुम्हारा, और जब मरना तय है तो आराम से मरो। और सुनो, ऐसे मत समझना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है ना, इसलिए बिल्कुल इसे पर्सनली मत लेना, तुमको भगवान की कसम है। बोलो नहीं लोगी ना पर्सनली? देखो ऐसे सोचो कि मरना तो सबको है एक दिन, कोई पहले मरता है कोई बाद में मरता है, तुम्हारा नंबर पहले आ गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बल्कि अच्छा है, अरे दशहरे वाले दिन मरोगी, दुनिया याद करेगी तुमको। अब तुम सोच रही होगी कि तुम्हें मारकर मेरा क्या फायदा, सोच रही होगी ना? बोलो हाँ सोच रही हूँ, सोच रही हूँ। कोई फायदा नहीं, बस मेरी एक जरूरत है जो तुम्हारी मौत से ही पूरी होगी। कितना पुण्य का काम कर रही हो तुम, सोचा तुमने कभी है? तो मैं भी तुम्हारे लिए एक फेवर करूंगा, आसान मौत दूंगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कब मौत हो गई,
ऐसे आग बंद करे, करो करो, कर लो और शांति, शांति, आ जाओ। प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया ना, कितने सारे लोग आए हैं और भीड़ है, बढ़ती जा रही है। दीदी क्यों नहीं होगा, इस रावण को हमारा अभी जो जलाने वाला है। अब किसे ढूंढ रही हो यहाँ वहाँ? नहीं, मैं पूरब को ढूंढ रही हूँ, इसे जरूरी बात करनी है। वो रहा, मैं जा। पूरब, प्रज्ञा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कौन? प्रज्ञा दी। दादी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मैं इसे प्रगति के बारे में बात मत करा करिए, आपने पूरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ, वही तो मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ है। और मैं दीदी प्रज्ञा को क्यों ढूंढेंगी? पता क्यों ना ढूंढू, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। इतना बड़ा रावण खड़ा कर दिया है, कितने पैसे खर्च किए हैं, उसे पूछना चाहती हूँ कि उसने अभी के इतने पैसे क्यों खर्च किए, किससे पूछ कर किए? आप पूछोगी? हाँ तो मैं ही पूछूंगी ना, डरती हूँ मैं उससे। एक एक पैसे पर उसने हम पर रोक लगा रखी है, और इधर दिखावे के लिए कितने पैसे खर्च किए, पूछूंगी ना उससे। दीदी दीदी, इस गुस्से को ना ऐसे ही संभाल के रखना, मैं अभी जाके प्रज्ञा को ढूंढ के लाती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ आप गुस्से में उसे कैसे डांटती है। ठीक है, रुकिए आप, मैं अभी लेके आई प्रज्ञा। हाँ जल्दी जा। दादी क्या कर रही थी? दादी आसपास एक बार देख तो लिया करो, अगर अभी इंदु दादी ने सब सुन लिया होता ना तो। जाने दे उसे, पर तू ये बता प्रज्ञा है कहाँ? दादी प्रज्ञा दी यहीं कहीं होंगी, मिल जाएंगी, आप टेंशन मत। जाके ढूंढना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। अच्छा, मैं उनको ढूंढ के ला दो, आप टेंशन मत लोगे, रिलैक्स, आप यहीं रहो, मैं आता हूँ। अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है और किसी की भी नहीं सुनूंगी। इतनी खून लग गया ना तुझे, कितनी सारी चोट लग गई, तू भूल ही गई थी कि ये तो मेरी बेटी प्रज्ञा है। इस इवेंट के 15 करोड़ लेकर मैं एक सेंट लिया। पूरा तू जाके अरेंजमेंट देख, मैं अभी आता हूँ। आंटी जी, कोई फायदा नहीं है उसके बारे में सोचकर। नहीं नहीं बेटा जी, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी, मैं तो बस ऐसे ही। क्यों छुपा रहे हो आंटी जी? आपके चेहरे से पता चलता है कि एक माँ का दिल क्या चाहता है और उसे मिल क्या रहा है। पता है ये सारी बातें मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं भी उस सबसे ही गुजर रहा हूँ आंटी जी। वो दर्द मैं भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे आसपास ऐसा भी कोई नहीं है जिसके साथ हम ये बातें शेयर कर सकें। अब मैं आपसे क्या कहूँ बेटा जी, आपके मन में भी वही बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। सच में कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो जो भी कर रही है वो सच नहीं है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे दिखता नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है? हमारी आंखों के आंसू भी उसे दिखाई नहीं देते। कौन सी ऐसी वजह है जो उसे ये सब करना पड़े? मेरे घर से शादी में विदा होकर वो आपके घर आ गई, आपके साथ साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, और आपकी पत्नी और वो आपसे प्यार करती, फिर ऐसा क्यों कर रही है? छोड़ो ना, जाने दो, करें तो उसे जो करना है। लेकिन मुझसे सहन नहीं होता बेटा जी, आपके परिवार को इतना तकलीफ दे रही है, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सच बताओ तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं पूरी तरीके से उससे नफरत करने लगूंगा। अरे यार, ये विजय नहीं दिख रहा है, प्रज्ञा भी गायब है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या मुझे ढूंढ रहे हो? कह रही अभी तक नहीं। मेरा काम अभी पूरा हुआ नहीं, और काम अधूरा छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं। काम बाद में कर लेना, पहले मुझे ये बताओ प्रज्ञा कहाँ है? कहीं भी है, जिंदा है। इतना समझा रहा हूँ उसको, आराम से मर जा, लेकिन नहीं मानती नहीं है। हार्ड वर्किंग लेडी, आराम पसंद ही नहीं है उसको। तो अब हमने भी उसके लिए ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है ना कि ये सब उसकी मौत का तमाशा देखेंगे, बस थोड़ा सा टाइम और। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे,
हाँ मुझे बताओ प्रज्ञा कहाँ है। वो तो मैं तुमको काम खत्म होने के बाद ही बताऊंगा, तुम बस पैसे रेडी रखना। अरे यार बवाल हो जाएगा। बवाल तो हो गया। तुम पागल हो गई हो? अगर ये हाथ से स्लिप हो जाता तो अच्छा होता ना, तुम्हारी लाइफ से सारी टेंशन चली जाती और मुझे खुशी मिल जाती। खुशी? और नहीं तो तुमसे शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू तो नहीं कर पाई, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ से मर के अपनी जिंदगी तो खत्म कर लेती। और वैसे भी अब तुम मुझसे कौन सा प्यार करते हो, तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं अब पुरानी वाली तनु नहीं हूँ और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी। तनु मैंने जो कुछ भी कहा था ना गुस्से में कहा था, और गुस्सा इसलिए था क्योंकि गलती की थी तुमने और तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं सॉरी बोलूं। अब इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। चलो अभी मैं जो कुछ भी करती हूँ मैं अनजाने में गलती करती हूँ, लेकिन तुम तो जानबूझ के सब कुछ बोलते हो। और तुम क्या, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के जाता है, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं किस कंडीशन में जी रही हूँ। मैं हर रोज इसी उम्मीद से जीती हूँ कि शायद आज हमारी शादी की बात होगी, लेकिन नहीं, तुमने यहाँ शादी की बात करना बंद कर दिया और वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि आलिया भी यहाँ पे नहीं है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूँ। इतनी हेल्पलेस हो गई हूँ कि मैं अपनी जरूरत तक पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, टूट चुकी हूँ मैं पूरी तरीके से। फिर जब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे फिर से हिम्मत मिलती है, सोचती हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम हर रोज हर पर मेरी सारी उम्मीदें तोड़ देते हो। तो ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, है ना? तनु जो बोला ना उसे दोबारा मत बोलना। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे वक्त पर हमें एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। मैंने जो कहा गुस्से में कहा उसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तकलीफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तनु। एंड इफ यू स्टिल वांट टू सल्क आई रियली कांट हेल्प इट। अभी अकेले क्या कर रहे हैं? याद किया शैतान को और आ गई शैतान की नानी। क्या चाहते क्या हो? मैं वहाँ जाके लोगों के साथ फालतू में टाइम पास करूँ। अरे टाइम पास करने के लिए कौन बोल रहा है? वो प्रज्ञा की नजर नहीं आ रही मुझे, उसे जाके ढूंढो ना। होगी तो नजर आएगी ना। होगी तो नजर आएगी, कहने का मतलब क्या आपका? अरे ये इस फंक्शन में प्रज्ञा नहीं होगी तो और कौन होगा? सवाल कितने करती हो? सवाल में आ गया हूँ तुमसे और आलिया से। अब क्या किया हमने? ये सब तो किया धरा है ना, ये सब तुम दोनों का ही लाख मना किया था। उस पागल को मना करने के बावजूद उसने प्रज्ञा को किडनैप कर लिया। किडनैप? उसे किडनैप क्यों किया? मुझे तो लगा वो उसे डायरेक्ट मारते का, पर उसे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? किडनैप करने के बाद मारते ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाया कर। मुझे नहीं पता कहाँ मारेगा वो, लेकिन उसने ये चीज बोली बड़े स्टाइल में मारे, मतलब सारे लोग उसको मरने का तमाशा देखे। Really? ये तो गुड न्यूज़ है ना? गुड न्यूज़? मतलब वो हमें फंसाने का पूरा प्रोग्राम बनाकर निकल लेगा यहाँ से, मर्डर करके वो जाएगा, फंसेंगे हम, ये गुड न्यूज़। फिर फंसने वाली क्या बात है? भैया आप मुझे बताओ उसने कहाँ पर रखा है। आई मीन मैं प्रज्ञा को मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसे, वो कैसे मरती है। मैं देखूंगी तभी तो मानूंगी ना कि वो सच में मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ये तो अपनी एक्साइटमेंट है ना, उसको छुपा करके रखो और दुआ करो इस बार वो मर जाए। नहीं मरती है तो ये विजय फंस रही है, उसके साथ हम भी फंसे। प्रज्ञा बच गई ना तो उसको छोड़ेगी नहीं, खुश हो रही है। मरने तो दे उसको पहले। अरे मौत से बड़ा डर कोई होता है क्या? आनी है तो आनी है, इसलिए निडर होके उसे गले लगाओ और अपनी जिंदगी के इस आखिरी सच को एंजॉय करो। एंजॉयमेंट पे से याद आया यार, इतनी कमाल की खबर है ना तेरे लिए कि तू ये सुन के मतलब तेरे चेहरे पे एक 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 खुशी की किरण दौड़ पड़ी। रुक, कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे चाहने वाले हमको ढूंढेंगे, यही सोच रही हो ना? हैं? फिर वो हमको मारेंगे, मुझे सजा दिलाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, है ना? सोच रही हो ना? सच सच बताओ, सोच रही हो ना? और हो सकता है मुझे मार भी दे। नहीं, हो
पॉसिबिलिटी है ना? कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मारेगा कोई और। फिर सोच रही होगी कौन? वही जो ऐसे तीर चलाए, जिसका तीर रावण के अंदर घुसेगा। बोलो बोलो कौन है वो? अरे तुम्हारा, मेरा, हम सब का वन एंड ओनली अभी रॉकस्टार। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल नहीं। बाहर के लोग कहेंगे कि अभी ने तीर चलाया, प्रज्ञा को मारा, रावण में आग लगाई, समझ रही हो? अब तुम सोच रही होगी कि मेरे लिए अच्छी खबर क्या है इसमें। अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा है। तुम अपने एक्स हस्बैंड के हाथों मरोगी, सुहागन जाओगी, सीधा स्वर्ग से धार होगी, उस देश में मरेगी जहां पत्नी पति को पूजती है। सही अच्छा है ना? तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। अरे थैंक यू तो बोल दो, मुंह नहीं खोलूंगा, ऐसे ही मन में बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो बोल दो। लगता है तूने पार्टी बदल ली है। ओ, मोगैम्बो ने तुझे पैसे दिए क्या? या उसने तुझसे वादा किया है कि वो तेरी शादी बुलबुल से करवाएगी इसलिए तू? ओ माय गॉड, लड़की और पैसे के लिए तूने पार्टी बदल ली है? भाई को भूल गया, तुझसे उम्मीद नहीं थी यार। तो अभी देख मजाक की बिना एक हद होती, और तू लाइन क्रॉस मत कर। या मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि तेरी प्रॉब्लम कम हो जाए, और तू है कि देख अगर प्रगति नहीं मिली ना तो तुझे पता है कि तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले, इससे मुझे मत बोल। देख मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है, और अगर मेरी प्रॉब्लम में फंसी हुई है तो मैं क्यों उसे ढूंढूं यार? देख प्रॉब्लम से प्रॉब्लम टकराएगी, अपने आप मिट जाएगी, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। ठीक है, तू यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम खत्म होने का वेट कर, पर बाद में ना मुझे कॉल करके मत बोलियो कि पूरा ये हो गया वो हो गया, मैं जाऊँ। ठीक है, ए, रुक जा यार, कहाँ जा रहा है? तेरे बिना मैं यहाँ पर और बोर हो जाऊंगा, चल ना कहीं और जाके आराम करते, एंजॉय करते, कम ऑन एंजॉय करते। तू बोल क्या रहा है? तुझे पता है अगर हम यहाँ से चले गए तो पूरी फैमिली का क्या होगा? अभी स्पॉन्सर्स यहाँ आएंगे तो फैमिली उन्हें क्या जवाब दे? तू तो यहाँ होगा नहीं, और मुझे तो तू अपने साथ लेके जा। और तूने दादी के बारे में सोचा? आज के दिन इतने टाइम बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल है, वो खुश है, तू क्या उन्हें देख के खुश नहीं? या मेरे पास ना एक आइडिया, हम एक काम करते हैं कि अगर हम जा ही रहे तो हम पूरी फैमिली को साथ लेके जाते हैं, सब साथ मिलके एंजॉय करेंगे, और जब बाद में स्पॉन्सर्स यहाँ पे आएंगे ना और मेहमानों के सामने हमारी पूरी फैमिली का तमाशा बनाएंगे तो तू एंजॉय करते रही। ठीक है, जाकर ढूंढ लेंगे उसे कहीं। अरे वो देख, वो तो नहीं, अभी मेरा मतलब वो तो नहीं है जिसे पता हो कि मोगैम्बो कहाँ हूँ। ये मोगैम्बो क्यों इतना फुटेज खा रही? क्यों उसे रावण से ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए? अरे एक बार मिल जाए ना तो उसे इसी रावण के साथ जला दूंगा। इतनी हिम्मत, हमें रोकोगे तुम? यार एक बार में समझ में नहीं आती इन लोगों को। हिम्मत है इतनी तो इन्हें रोक कर दिखाओ, हटा कर दिखाओ इन्हें यहाँ से। अरे क्या क्या हो गया है भाई यहाँ पे? अच्छा आप आ गए, देखिए ना पता नहीं कौन है ये, मुझे ना रावण को अंदर से जाकर देखना है। इससे कौन है दरवाजा खोले? क्यों नहीं देते भाई, क्या कर रहा है ये? रावण के अंदर सारे फटाके मैंने भरे, अब अगर कोई गलती हो गई तो गलती सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बुरा नहीं। फिर भी अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं कुछ फटफट आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ नहीं, सही सही बोल रहा है ये, अंदर बहुत पटाखे लगे हुए हैं, फट जाएंगे, कहीं और जाके एंजॉय करो ना, यहाँ कहाँ अंदर जा रहे हो? प्रज्ञा ने इसको यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया हुआ है, अगर बोल देगा प्रज्ञा तो चलो यहाँ से। चले चल, पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।